यही लोग है, यही लोग, कोई न्याय नहीं मिला, उस सबको कहीं जेल नहीं गया। आज तक हम जो केस किए उस समय जेल भी नहीं गया। वो सब जो केस किया था ना प्रभारी पकड़ पकड़ के दिया, डाल डाल के भेजा, ये घर भुयार के उजार दिया। वही ना आ जाओ रे बेटा के मार दिया, 6 महीना से धमकी दे रहा था सूरजवा। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को वर्चस्व को लेकर अय्यापुर में गैंगवार हो गया। इसमें साथी राजा ठाकुर मारा गया, उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के जियालाल चौक के समीप की है, जहां गैंगवार में राजा ठाकुर को मारा गया। वह कई मामलों में वांछित था। जानकारी के अनुसार वह पूर्व में जेल भी जा चुका था। इसके अलावा उसके द्वारा अय्यापुर में कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाया गया था। बताया गया कि देर रात उसे जियालाल चौक के समीप बुलाया गया था। वहां खाना पीना करने के बाद राजा को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची अय्यापुर पुलिस ने राजा ठाकुर को इलाज के लिए SKMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिजनों में कोहराम मच गया। वही मामले में अय्यापुर थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि राजा ठाकुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हो चुकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि मारपीट में उसकी हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान का इंतजार किया जा रहा है, परिजन के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाएगी। दूसरी ओर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि आपसी वर्चस्व में राजा ठाकुर की हत्या की गई है, उसके विरुद्ध पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। अय्यापुर इलाके में उसका आतंक था। घटना के बाद पुलिस उसके विरुद्ध दर्ज पूर्व के मामलों को खंगाल रही है। विनोद राय 10 की संख्या में सब था। हमारा बेटा को उठा के ले गया। हम उसी टाइम से टोल फ्री पर सब जगह फोन किए, कोई रिस्पांस नहीं लिए है। सुबह में पता चला उसके साथ जो लड़का सब था वही से फोन किया। सुबह में मेरे चक मोहम्मद पंचायत में भी मार के और तब ले गया है, वो अपने जियालाल चौक पे ले गया है। जियालाल चौक पर जुट ले गया है, हमारा बेटा के मार दिया है बड़े जगन्नाथ में। अच्छा, घर निकाल के ले गया जी? 11 बजे के लगभग। अच्छा, सवेरे कब मालूम चला आपको? हाँ ना, हमको तो रात में मालूम चल गया। क्या मालूम चला? हमको रात में मालूम चला जो सूरजबा से उठा कर ले गया, उसके साथ ही लड़का था, उस सबको भी बहुत पीटा है। हाँ, उसके साथ जो लड़का था ना गाड़ी खोजने में, मेरा गाड़ी भी चोरी करवा दिया था षड्यंत्र से पहले। 8:30 बजे में चोरी गाड़ी अपाची करवा दिया। बाबू हमारे खोजने गया था गाड़ी, हम फोन किए बाबू रे छोड़ दे, हम गाड़ी किन दे रात में नहीं जो गए, सीसी कैमरा में देखे छे कहीं पता लग जाए। काली 8:30 बजे में। अच्छा, ये बताइए 2017 में जो गोली मारा था घर में घुस के, यही लोग है? यही लोग है, यही लोग, कोई न्याय नहीं मिला, उस सबको कहीं जेल नहीं गया। आज तक हम जो केस किए उस समय जेल भी नहीं गया। वो सब जो केस किया था ना प्रभारी पकड़ पकड़ के दिया, डाल डाल के भेजा, ये घर भुयार के उजार दिया। वही ना आ जाओ रे बेटा के मार दिया, 6 महीना से धमकी दे रहा था सूरजवा। हाँ, रोड़ा पत्थर से कूच के मारा है। हम नहीं देखे हैं तब बाबू के, हम बाबू बॉडी चक मोहम्मदे में था, लेकिन चक मोहम्मद से वो लोग भुड़वा में ले गया है, उठाकर जियालाल चौक पे ले गया। अच्छा, जियालाल चौक से बरामद किया गया? हाँ, जीवडी पुलिस बरामद किया है जियालाल चौक पर से। कितने लोगों का हाथ है इसमें? हाँ, इसमें 10 लोगों का हाथ है। मेन मेन कौन? अभी हमारे ध्यान नहीं है, हम अपने आप में नहीं है। मेन में सूरज राय, नीरज राय, विनोद राय, और मतारी सुनैना देवी, वो साथे साथे हंडी तसला लेकर के साथे साथे आती है वो। हमें जी जियालाल चौक पर के बसिंदा है, जियालाल चौक पर के बसिंदा है। हम विवा कुमारी ना, हम भर रात दरोगा जी के फोन किए हैं, थाना प्रभारी के रिसीव नहीं किए हैं, तो SP के DSP साहब किए हैं, तो DSP साहब लाइन दिए हैं, कोई स्टाफ को कह रहे थे DSP साहब या प्रभारी के जाओ, प्रभारी के हम उससे बात कराओ, वो डांट भी रहे थे DSP साहब। हम पर ये पदाधिकारी सब तरफ सूचना दिए हैं, मेरे बेटा को उठा के ले गया। हम भर रात पुलिस में लगल रह गए हैं। हमारा केस भी दर्ज था राजा पर, पहले से ओकरे वही सब केस करता है, वही केस था ओकरे सब बला और कुछ ना मेरे। हाँ, मेरे बेटा पर अगर लोग अपराधी लोग कहता है तो मेरा बेटा पर 38 जिला है, कोनो जिला में मुजफ्फरपुर में कोनो।
चक मोहम्मदपुर का एक लड़का था, उसका डेड बॉडी जियालाल चौक पर मिला था। इस संदर्भ में उनके परिजन लोग आए हुए हैं, बता रहे हैं, कुछ लोगों का नाम बता रहे हैं कि उन लोग उनका घर के पास से वो बुला उठा करके लाए हैं, मारपीट किया था और काफ़ी उनको मारपीट किया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में SKMCH में। अभी उनका प्राथमिकी अंकित किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को SKMCH में लाया गया है। पर गैंगवार की बात आ रही है, अब तो देखिए पहले इनका फर्दीवान आ जाता है हम लोग, तब आगे की बात मैं बता सकता हूँ। मृतक का कोई आपराधिक मामला भी दर्ज है? हाँ, पहले से आपराधिक मामला दर्ज है, उनके घर का कुर्की भी हुआ था और वो फिरार चल रहे थे। सर कितना मामला दर्ज है लगभग अय्यापुर थाने? मामला तो एक दर्जन से ऊपर ही मामला। सर कितने लोगों को नामजद किया गया है? अभी तो फर्दीवान ही नहीं आया सर, आएगा तो मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू। बाईस कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदे सबसे शुद्ध और सबसे किफायती दाम पे, हम हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स, पुरानी बाजार नियर SBI ATM मुजफ्फरपुर। एक मौका हमें भी दें। ये एशियन पेंट्स का GX19, इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर, टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब? कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा कॉन्ट्रैक्टर।